पिछले लेक्चर में हमने जाना कि इंटरफेस यूनिट की मदद से किस प्रकार प्रोसेसर किसी भी पेरिफेरल डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में एक मेमोरी भी होती है जिसमें सारा प्रोग्राम और डेटा स्टोर्ड होता है। अब चूंकि प्रोसेसर सीपीयू, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, वो मेमोरी और उसके अलावा इन पेरिफेरल डिवाइसेस दोनों से कम्युनिकेट करता है, तो फिर एक सेपरेट बस, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस मेमोरी को मेमोरी से कम्युनिकेट करने के लिए भी होती है। तीन तरीके हैं या तीन अरेंजमेंट हैं जिनके अनुसार हम मेमोरी और इन पेरिफेरल डिवाइसेस को इन इनपुट आउटपुट बसेस के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें दो सेपरेट सेट होते हैं इनपुट आउटपुट बसेस के। एक बसेस से, एक बस इनपुट आउटपुट बस का जो सेट है डेटा, एड्रेस और कंट्रोल, वो पेरिफेरल डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है और जो दूसरा सेट है वो मेमोरी से कम्युनिकेट करने के लिए होता है। ये दूसरा अरेंजमेंट है। दूसरे अरेंजमेंट में जो प्रोसेसर है और जो मेमोरी है और ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये कॉमन बस सिस्टम को यूज करते हैं जिसमें डेटा और एड्रेस लाइन तो कॉमन होती हैं, जिससे मेमोरी भी जुड़ी होती है और ये पेरिफेरल डिवाइसेस के इंटरफेस भी जुड़े होते हैं, लेकिन जो कंट्रोल लाइन होती है वो अलग अलग होती है। प्रोसेसर से मेमोरी तक कम्युनिकेट करने के लिए अलग कंट्रोल लाइन होती है और इनपुट आउटपुट या फिर जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, इनसे कम्युनिकेट करने के लिए अलग कंट्रोल लाइन होती है। और तीसरा अरेंजमेंट इस प्रकार है, इसमें एक ही सेट होता है इनपुट आउटपुट बसेस का, जिससे मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस दोनों ही कनेक्ट होते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले अरेंजमेंट की, जिसमें दो अलग अलग सेट होते हैं इनपुट आउटपुट बसेस के, एक मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और दूसरा पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। इस वाले अरेंजमेंट में इन सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए एक को प्रोसेसर होता है जिसको इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कहते हैं, जिसके माध्यम से प्रोसेसर इन पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है। आइए बात करते हैं हम दूसरे अरेंजमेंट की, जिसमें प्रोसेसर पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी से कॉमन डेटा और एड्रेस बस से जुड़ा होता है, लेकिन कंट्रोल लाइंस डिफरेंट होती हैं। अब कैसे सेग्रीगेट करता है प्रोसेसर या फिर कोई मेमोरी यूनिट की ये जो कमांड या डेटा या एड्रेस भेज रहा है प्रोसेसर, वो मेमोरी के लिए है कि पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए है? तो इसके लिए यहाँ पे सिग्नल होते हैं, रीड और राइट सिग्नल। तो प्रोसेसर को अगर मेमोरी से कम्युनिकेट करना है तो प्रोसेसर यहाँ पे मेमोरी रीड या राइट सिग्नल को हाई करेगा और यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट कर देगा और यहाँ पे एड्रेस स्पेसिफाई कर देगा। तो अगर ये कंट्रोल लाइंस ये रीड या राइट ऑपरेशन यूज कर रहा है, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, तो ये मेमोरी के लिए इंस्ट्रक्शन है। और अगर ये वाला जो दूसरा कंट्रोल लाइंस है, सेट ऑफ कंट्रोल लाइंस इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट, अगर प्रोसेसर को इन पेरिफेरल डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना है तो पेरिफेरल डिवाइस एड्रेस बस में एड्रेस डालेगा, डेटा बस में डेटा और पेरिफेरल इनपुट आउटपुट रीड या इनपुट आउटपुट राइट कमांड को यहां पे हाई कर देगा, जिससे इन पेरिफेरल डिवाइसेस को पता लग जाएगा कि ये एड्रेस हमारे लिए है ना कि मेमोरी के लिए। और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। आइए बात करते हैं तीसरे अरेंजमेंट की, जिसे हम मेमोरी मैप्ड इनपुट
आउटपुट अरेंजमेंट कहते हैं। इस अरेंजमेंट में इनपुट आउटपुट बसेस कॉमन होती हैं मेमोरी से और पेरिफेरल डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए। इस अरेंजमेंट में ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इनको भी प्रोसेसर मेमोरी एड्रेस की तरह ही ट्रीट करता है। अब गौर से देखिए इस मेमोरी को, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बहुत कम मेमोरी लोकेशन ली है। मान लीजिए ये मेमोरी लोकेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 लोकेशन है इसमें। तो मेमोरी की जो कुछ रजिस्टर की स्पेस है, मेमोरी लोकेशन है, इनके एड्रेसेस इस जो इंटरफेस है, इंटरफेस से जुड़े हुए पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इनको असाइन कर दिए जाते हैं। तो प्रोसेसर मेमोरी एड्रेस में और इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के एड्रेस में सेग्रीगेट नहीं करता, वो सबको मेमोरी एड्रेस की तरह ही ट्रीट करता है। वो समझता है कि ये मेमोरी का लोकेशन नंबर 1 है 2 है 3 है 4 है और बाकी 5th जो एड्रेस है ये कीबोर्ड का है, जो कि एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस है, 6 प्रिंटर का है, 7 मैग्नेटिक डिस्क का है, 8 मैग्नेटिक टेप का है। जिस तरीके से मेमोरी लोकेशन की किसी स्पेसिफिक डेटा को प्रोसेसर पढ़ सकता है, उसी प्रकार इन इंटरफेस रजिस्टर, इस पेरिफेरल डिवाइसेस के इंटरफेस रजिस्टर के कंटेंट को भी वो मेमोरी लोकेशन की तरह ही पढ़ सकता है। नॉर्मली किसी भी प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट में कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिससे वो मेमोरी रीड करता है, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिससे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को रीड करता है। जनरली जो मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं और इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कम होते हैं। अब चूंकि इस अरेंजमेंट में, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट अरेंजमेंट में, जो प्रोसेसर है वो मेमोरी की लोकेशन और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की लोकेशन में कोई डिफरेंस नहीं अपने मन से सोचता, तो इसलिए वो इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मेमोरी लोकेशंस की तरह ही लेता है और वही इंस्ट्रक्शंस जिनकी मदद से वो मेमोरी को रीड या राइट कर सकता है, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यूज करके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर सकता से रीड कर सकता है। और इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो क्योंकि वो इन मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस में कोई सेग्रीगेशन नहीं कर रहा है, तो इसलिए इनपुट इस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनिपुलेट करने के इंस्ट्रक्शंस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि ये जो मेमोरी की स्पेस है, ये 1 2 3 4 इनिशियली इस एग्जांपल में 8 लोकेशन ली थी, 4 तक के एड्रेसेस यहाँ मेमोरी में थे और बाकी 5 6 7 8 यहाँ पे हमने इन पेरिफेरल डिवाइसेस को दे दिए। क्योंकि मेमोरी में ये कैपेसिटी थी, वही एड्रेस हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिए। अब अगर इसको यहाँ दोबारा स्पेसिफाई कर दें तो एड्रेस में डुप्लीकेसी हो जाएगी, तो ये वाली जो स्पेस है इसको मेमोरी में हम यूज नहीं करते, वो एड्रेस हम मेमोरी में यूज नहीं करते जो हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को असाइन कर दिए। तो उससे नुकसान क्या हुआ कि ये मेमोरी स्पेस एक्चुअली मेमोरी में एग्जिस्ट करती है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते, मेमोरी स्पेस बर्बाद चली जाती है। तो इस लेक्चर में हमने देखा किस प्रकार प्रोसेसर इनपुट आउटपुट बसेस की मदद से मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट इंटरफेस का। धन्यवाद।